हाँ जी, राइटिंग स्किल्स हैं इस बार। इस बार आपके सिलेबस में चैप्टर्स जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव फॉर्म में हैं, ठीक है, और ग्रामर नहीं है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स की हमें खूब प्रैक्टिस करनी होगी। वो तो होंगे, वो तो होंगे, चेक कर लेंगे एक बार। मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी, एक बार चेक करूंगी, डाउनलोड करूंगी और भेज दूंगी। डोंट वरी, अभी चैप्टर्स कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ ना, उसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया हुआ। एक दो डिस्कस करना चाह रही हूँ क्वेश्चंस। अभी हमें वैसे ये करना है क्वेश्चंस इस चैप्टर के, लेकिन एक दो चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है आप लोगों की रिटन में, कि आप लोग लिखते ठीक नहीं हो, क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए लिखा जाता भी नहीं। आप में से कौन ऐसा है जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस करता है, या डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख कर देखता है? कोई भी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, सिर्फ हम चैप्टर याद कर लें, चैप्टर पढ़ लें तो हो जाएगा, पर वो नहीं हो रहा, वो मुश्किल हो रहा है। प्लीज रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और चैप्टर भी आप लोग थॉरो नहीं पढ़ रहे, जो हमने क्लास में कर लिया वो हो गया बस, हम प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और चैप्टर को जब तक आप थॉरो नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा कीर्तिमा, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। उसके लिए हमें इंटरेस्ट बनाना है, कहानी है, कहानी को समझना है, पढ़ना है। अब एमसीक्यूज नहीं है, पहले जब एमसीक्यूज थे तब भी प्रॉब्लम थी कि थोड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू कहीं से कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम थी। अब सब्जेक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर आता होगा, हमें कहानी पता होगी, हम तभी 4 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर हमें आता ही लिमिटेड है, हम लिखेंगे ही उतना, उसमें भी स्पेलिंग एरर्स होंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं बार बार बेटे यही बात कहती हूँ कि समझ लिया करो, पूछ लिया करो, जहां जो प्रॉब्लम आती है वो पूछो, बार बार पूछो, मैं बार बार डिस्कस करूंगी। लेकिन ये मुश्किल है थोड़ा सा, इस तरह से समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, वीडियोस देखो, यू हैव ऑप्शंस फॉर वीडियोस, वीडियोस सुनो, देखो जो पढ़ाया, जो समझाया, ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स डालने शुरू करो तो और अच्छा हो जाएगा। हमें रिटर्न प्रैक्टिस नहीं रही, हम पहले घर पर थे, ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे, क्लास लगाई नहीं लगाई कोई बात नहीं, काम किया नहीं किया कोई बात नहीं, कॉपी भेजी नहीं भेजी कोई बात, मैम के बार बार फोन आ रहे हैं कोई बात नहीं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, गो फॉर इट। और कटिंग कम किया करो टेस्ट में, बहुत ज्यादा कटिंग करते हैं। स्पेलिंग्स की रिटर्न प्रैक्टिस करो, चैप्टर को बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ के खत्म नहीं करना, बार बार उसे पढ़ना, ठीक है? चलो, हाँ जी, नई में कर लो, पुरानी में कर लो, जैसे कर लो, नहीं कंटेंट के भी कटे हैं, मैं बता दूंगी, ठीक है, ब्रेक में बताती हूँ, ओके। हाँ, तो फिर उसमें कंटेंट के कटे होंगे, पहले 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के थे, एक 4 नंबर का था। हाँ, इसका मतलब स्पेलिंग एरर्स है, ठीक है। हाँ
हाफ कट है तो स्पेलिंग एरर्स हैं, एक ही एक से ज्यादा कटे हैं तो इसका मतलब कंटेंट में भी प्रॉब्लम है, वो मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक, चलिए। अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं समझ में आता तो बार बार पूछना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अतिथि कितने दिनों तक लेखक के घर पर रहा? 4 दिनों तक। ठीक, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? हाँ जी, नम्रता से, नम्रता, नम्रता से अपनी सीमा में फड़फड़ा रही है। ठीक, कैलेंडर, बुक जरूर लेकर आया करो बेटा स्कूल। ठीक है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? अब देखो ऐसे नहीं लिखना कि पति पत्नी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसमें कंटेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर। आप बताओगे? ठीक नहीं हो, देखो उन्होंने ये नहीं पूछा ना मेहमान नवाजी कैसी की, आप आंसर दे रहे हो उन्होंने शानदार मेहमान नवाजी की, ये नहीं पूछा मेहमान नवाजी किसी कैसी की, किस तरह से की, उन्होंने पूछा स्वागत कैसे किया। हाँ जी हाविश, हाँ हाँ जी, हाँ ये आंसर है। पति पत्नी ने उनका स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया, प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान के साथ उन्हें अपने गले लगाया और पत्नी ने सादर नमस्ते की। पति ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले से लगाया और पत्नी ने उन्हें सादर नमस्ते की। ठीक है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? लंच की गरिमा, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है। बेटे पेंसिल से लिखा करो बुक पर, पेन के साथ नहीं। आप जब पढ़ लेंगे, कक्षा पास कर लेंगे तो किसी और के भी काम आ जाएगी। नेक्स्ट, सत्कार की ऊष्मा समाप्त तो होने पर क्या हुआ? बताएंगी आप? बेटे जो मैं पढ़ाती हूं ना वो घर जाकर एक बार पढ़ा करो, कितनी सारी बातें उससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, ओके, यहाँ गए पेज नंबर। पेज नंबर आवेश, ओके। सत्कार की ऊष्मा, यहाँ कहीं होगा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त तो हो रही थी, डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए थे, और अब भी अगर अतिथि ना जाता तो शायद उपवास ही रखना पड़ता। ठीक है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर से खिचड़ी पर आ गए थे
और अब भी अगर अतिथि ना जाता तो शायद उपवास ही रखना पड़ता। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए, भावभीनी, मतलब भावों से भरी हुई। जब भी कोई हमारे घर से विदा होता है, घर से कोई जाता है, तो हम बड़े भावों से उन्हें विदा करते हैं ना। जब कोई एक बहुत अच्छा अतिथि हो तो हम कहते हैं नहीं प्लीज रुको, फिर आना, वी वॉन्ट कि तुम दोबारा से आओ। होता है ऐसा या नहीं होता? है ना, भाव भीनी, भावों से भीगी हुई, भावों से भरी हुई। लेखक अतिथि को भाव भीनी विदाई देना चाहता था और वह चाहता था कि वह अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाए। वह बार बार रुकने का आग्रह करे लेकिन अतिथि ना रुके। आग्रह करना मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना कि आप रुको, थोड़े दिन और रुको, एक आध दिन और रुको। वो उसे भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाए, उसे बार बार रुकने के लिए कहे लेकिन अतिथि ना रुके। ओके, क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? हरमीत, ब्रिजेश, कोई डाउट बेटा? शो योर थंब इफ एवरीथिंग इज क्लियर। हरमीत एंड ब्रिजेश, आर यू देयर? ओके, चलिए। ओके फाइन हरमीत, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एक लाइन दी हुई है, आशय स्पष्ट करें, अर्थ बताएं या इन कथनों की व्याख्या करें, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, जब एक लाइन दी जाती है उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। कथनों की व्याख्या, या आशय स्पष्ट करें, अर्थ बताएं, ठीक है, या इस पंक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, सबका एक ही मतलब है। जब भी कोई ऐसी लाइन आ जाती है आपने उस लाइन को एक्सप्लेन करना, पाठ के आधार पर। ऐसा भी लिखा जा सकता है पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट करें, सिंपल भी आ सकता है कि इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, आपने चैप्टर पर बेस्ड उसका आंसर देना है। क्लियर? क्लियर? सबसे पहली पंक्ति है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। क्लास में ना पार्टिसिपेट किया करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गलत उत्तर दे देंगे, हम उसे ठीक कर लेंगे, पर पार्टिसिपेट करो। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कहीं कांप गया। बैठो, कब उन्हें महसूस हुई ये बात? देखो पाठ में हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि वो सोच में डूब गए कि हम बाहर से खाना लाए या घर से खिलाए, ऐसा पाठ में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये हम समझ रहे हैं उसको पढ़कर, पर उसमें डायरेक्ट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सोचने लगे कि अब खाना घर पर बनाएं या बाहर से मंगवाएं, हमारा खर्चा हो जाएगा। नहीं, पंक्ति सिर्फ ये है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। कब कांपा था? जब अतिथि आया था, और अतिथि बिना बताए आया था।
ठीक है, बिना सूचना के, जब बिना सूचना दिए अतिथि लेखक के घर आ गया तो उसे देखकर लेखक को यह महसूस हुआ कि अब उसकी मेहमान नवाजी में या उसकी खातिरदारी में बहुत ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उसे लगा, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उसका बटुआ अंदर ही अंदर कहीं कांप गया। हमने पाठ के आधार पर बताना है जो हमने पढ़ा हुआ, अपनी ओर से हम कुछ नहीं लिखते। सिंपल, कि जब बिना सूचना दिए अतिथि लेखक के घर आ गया तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी आवभगत, स्पेलिंग्स ये नोट किया करो, वर्ड्स नोट किया करो, अब उसकी आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। अतिरिक्त मतलब ज्यादा, ठीक है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, अब उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा जो कि उसकी जेब पर भारी पड़ने वाला था। जेब पर भारी पड़ने वाला था ना, उसने तो सोचा था एक दिन के लिए आया है चला जाएगा, जब वो 3 दिन और रुका तो और ज्यादा मुसीबत हो गई, 4 दिन और रुका तो। ठीक है, जब अतिथि बिना सूचना दिए लेखक के घर आया तो लेखक को महसूस हुआ कि अब उसकी आवभगत में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा जो कि उसकी जेब पर भारी पड़ने वाला था। बस ये इसका अर्थ है। ठीक है, एनी डाउट? कहीं कुछ लग रहा है कि ये स्पेलिंग नहीं आ रहा, ये शब्द नहीं आ रहा, या इस लाइन को कैसे लिखूं? एनी डाउट? नो? चलूं आगे? हरमीत, ब्रिजेश, क्लियर? चले? ओके। नेक्स्ट इज, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। हाँ जी, ओके okay. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देवता समझा जाता है, लेकिन यदि वही अतिथि बिना बताए आए और कई दिनों तक ठहरे और वापस जल्दी वापस ना जाए तो वही अतिथि राक्षस भी लगने लगता है, राक्षस की भांति लगने लगता है। भांति के ये स्पेलिंग, राक्षस की भांति लगने लगता है। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इसका क्या मतलब है? लीजा, हमने कहानी नहीं उसमें डालनी, हमने एक सिंपल सी बात करनी है, पूरी पूरी चैप्टर की कहानी नहीं लिखनी उसमें। ठीक है, बैठो। हाँ जी, आ रहे हैं। कई दिनों तक टिक जाता है, उनके घर में अशांति पैदा हो जाती, और किसी भी अतिथि को दूसरे के घर की शांति को भंग नहीं करना चाहिए, शांति खत्म नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे के घर की स्वीटनेस को खत्म नहीं करना चाहिए। ओके, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इस पंक्ति में लेखक अतिथि से कहना चाहता है कि यदि वह एक दिन और रुका, उसे 4 दिन हो गए थे उसके घर रहते हुए, अगर वह 5वें दिन भी नहीं गया तो उसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी और आखिर में उसे गेट आउट कहना पड़ेगा, वह उसके मेहमान नवाजी नहीं करेगा।
एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। हाँ जी जो देवता है वे दर्शन देकर चले जाते हैं, मनुष्य और देवता ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते, और अतिथि को देवता के रूप में देखा जाता है, उसे भी कुछ समय रुककर अपने घर वापस चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? जब अतिथि ने कहा कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, तीसरे दिन सुबह जब उसने कहा कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, तो यह आघात अप्रत्याशित था। उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक को इसकी बिल्कुल भी आशा ही नहीं थी। अब लेखक को अतिथि राक्षस की तरह लगने लगा था और वह उस पर बोझ बन गया था। ओके, बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, राइट?